शिमला डेपुटेशन 1906 की हम बात करने लगे हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1905 के अंदर यानी 1905 के अंदर इंग्लैंड के अंदर यूके में इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पे लेबर पार्टी जो है वो जीत जाती है, ठीक है। अब जब कोई भी नई पार्टी आती है यानी नई गवर्नमेंट बनती है तो वो जहाँ जहाँ उसकी हुकूमत होती है वो अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करती है, तो उस टाइम पर वो अनाउंस करते हैं, क्या अनाउंस करते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने लगे हैं। हिंदुस्तानियों को खुश करने के लिए कह दिया कि भाई हम क्या करने लगे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने लगे हैं, तो आप सजेशंस दे सकते हैं। तो ऐसे में मुसलमान, क्योंकि उसी टाइम पे 1905 के अंदर तकसीम बंगाल हुआ था, तो मुसलमान काफ़ी खुश थे कि भाई हमें कुछ ना कुछ कहीं फ़ायदा हो रहा है, तो चलो हम अपने फ़ायदे के लिए मज़ीद काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, एक डेपुटेशन के तौर पे यानी कि एक वफ्द जो है उसने फ़ैसला किया कि वो लॉर्ड मंटो से मुलाकात करेगा और उन्हें बताएगा कि मुसलमानों को क्या चाहिए। ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या किया जी, एक वफ्द ने मुलाकात की शिमला के मकाम पर, किससे, अंग्रेज़ों से मुलाकात की, लॉर्ड मंटो से मुलाकात की, और उसमें उन्हें कहा कि भाई हमें आप क्या करें, हमें आप सेपरेट नुमाइंदगी दें, हमें आप जो है वो ख़ास करके इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया कि सेपरेट इलेक्शंस का हमारा निज़ाम लेके आएं, कि हम मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के हलकों के अंदर तो माइनॉरिटी में हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम जीत जाएँ और हिंदू जो है वो हमसे पीछे रह जाएँ, क्योंकि उनकी आबादी ही ज़्यादा है। तो इसलिए सेपरेट इलेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। इसके अलावा कहा भाई जहाँ जहाँ मुसलमानों की जो कोटा बनता है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंदर ने जॉब्स दी जाएँ उस कोटे के अकॉर्डिंगली, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मुसलमानों को जॉब्स दी जाएँ, तो ये प्रपोजल्स रखे गए और लॉर्ड मंटो ने इन्हें बहुत ही संजीदगी से सुना और मुसलमान काफ़ी खुश हुए इससे कि भाई ये तो बहुत अच्छा रहा। तो इस तरह से ये जो 1906 का जो शिमला वफ्द था, ठीक है, इसका इसने जो भी प्रपोजल्स दिए इनको फिर 1909 के अंदर 1999 के अंदर मंटो मार्ले रिफॉर्म्स जो आई यानी वो जो रिफॉर्म्स लाई गई, जो नई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था लाएंगे, तो लाई गई, तो उसमें जो मुसलमानों के मुतालबात थे इन्हें मान लिया गया किसी ना किसी शक्ल की सूरत में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मानी गई वो थी सेपरेट इलेक्शंस की। तो ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जीत थी हिंदुस्तान के अंदर कि भाई उन्हें भी अब जो है वो असेंबली में पहुंचने का मौका मिलेगा और अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। ठीक हो गया। ये तो शिमला वफ्द।